तो गाइस आज हमारे सामने है Hyundai की एक्सटर एंड ये है इसका ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाला जो वेरिएंट है वो अभी ये शोरूम में आना शुरू हो गया है। एंड ये है इसका SX वेरिएंट, ये अभी शोरूम में खड़ा है। हम यूनिवर्सल Hyundai नजफगढ़ वाले शोरूम में है। तो अगर आपको कोई भी Hyundai की गाड़ी लेनी है, चाहे एक्सटर हो, चाहे क्रेटा हो, चाहे इसका टॉप एंड वेरियंट हो, एडेस वाला हो, टर्बो हो, कोई भी आपको गाड़ी चाहिए, सारी की सारी आपको बेटर डील्स के साथ यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे आइए। अब करते हैं इस गाड़ी की बात। तो अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जब ये लॉन्च हुई थी। ये इसका SX वेरिएंट है, मैंने SX O जो कनेक्ट इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखिए, डिटेल्ड वीडियो है एकदम, क्या क्या चीजें इसमें आती है, ये इसका पूरा ओवरव्यू होगा डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको ऐसा कुछ पूरा सेटअप मिलता है, यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है, एक्सटर यहाँ पे आपको लिखा हुआ बड़ा मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की ऐसी कुछ स्कैटर्ड ग्रिल मिल जाती है जिसको Hyundai कहता है पैरामेट्रिक ग्रिल। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी स्किड प्लेट्स मिल जाती है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे इसका टोइंग हुक मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये देखिए क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है हेडलाइट के चारों तरफ, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है लेकिन ये हेलोजन में है, येलो लाइट है। यहाँ पे आपको LED में आपको इसको DRL मिल जाता है, हेलोजन में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो फ्रंट का यही था सब कुछ, ऐसा कुछ इसका लुक है। एंड नीचे से अगर आप देखोगे तो काफी इसको मस्कुलर लुक दी गई है और इस तरीके का इसका पूरा लुक है। ऊपर आपको वाइपर मिल जाते हैं लेकिन इसमें रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आते हैं, CNG वेरिएंट है ये, वहां पे ये लगा हुआ है। अब साइड में चले तो साइड में थोड़ा यहाँ कंजेशन है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें भी। ये इसकी कुछ पूरी ऐसी लुक है। ऊपर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में पूरे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रूफ रेल्स, एंड ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आता है। उसके नीचे यहाँ पे आपको जो ये कलर दिख रहा है ये आपको ब्लैक लग रहा होगा लेकिन ये ब्लू है, डार्क ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर है। और इसका अभी एक नाइट एडिशन भी आया है, उसकी भी आपके लिए बहुत जल्द वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर इसमें नहीं मिलता है SX वेरियंट में, ये टॉप एंड वेरियंट में आता है। यहाँ पे आपको ORVM पे यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एंड इसकी आप बॉडी क्लैडिंग देखिए कितनी ज्यादा मस्कुलर, कितनी ज्यादा बड़ी और ब्रॉड है ये। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरे व्हील आर्चेस पे बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है, फिर यहाँ से ये पीछे होती जाती पीछे चली जाती है, एंड यहाँ पे आपको पूरी बॉडी क्लैडिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको स्किड प्लेट्स भी मिल जाती है। आपको एक यहाँ पे पूरी कटन क्रीज मिलती है, एंड एक आपको यहाँ पे कटन क्रीज मिलती है, दो कटन क्रीज मिलती है। उसके बाद अगर मैं टायर की बात करूँ तो है एक यहाँ भी है, काफी थिक है ये, तो बहुत ज्यादा थिक यहाँ पे आपको कटन क्रीज मिल जाती है। और यहाँ पे अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे Hyundai का लोगो मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 175/65 R15, तो 15 इंचेस के इसमें आपको व्हील्स मिल जाते हैं। ये एलॉय व्हील नहीं है, ये प्लास्टिक है, इसका व्हील कवर है। टॉप एंड वेरिएंट में डायमंड कट एलॉयज आपको मिल जाते हैं लेकिन ये इसको व्हील कवर दिया गया है ब्लैक एंड ग्रे के साथ। दूर से थोड़ा ऐसा ही लगेगा कि एलॉय व्हील है लेकिन ये एलॉय व्हील नहीं है। तो ये इसकी पूरी कुछ ऐसे बॉडी क्लैडिंग पीछे तक जाती है। पीछे यहाँ भी वही पैरामेट्रिक डिजाइन इसको दिया गया है जो ग्रिल पे है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, एंड इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है जी। SX वेरिएंट से जो एक्सटर गाड़ी है उसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है, एंड काफी टॉल बॉय डिजाइन है इसका, अंदर हेडरूम बहुत प्यारा है। और ये था इसका कुछ पूरा साइड का। अब अगर इसके पीछे चले तो पीछे यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे आपको कोई वाइपर नहीं मिलता है, एंड यहाँ पे आपको डिफोगर मिल जाता है, CNG का वेरियंट, यहाँ पे CNG का बैच मिल जाता है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड इसमें आते ही है वो आपको पहले से ही पता है इसके बेस मॉडल से ही। एंड यहाँ पे भी आपको ये पूरा डिजाइन जो है वो आपको यहाँ भी कैरी होता हुआ नजर आ रहा है पैरामेट्रिक वाला। यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है, एंड ये है इसकी खासियत जो अब ये नया वेरिएंट आया है CNG में, हाई CNG डुओ, ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। अभी जब बूट स्पेस में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ट्विन आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, चार नहीं मिलते हैं, एंड पीछे भी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा थिक इसमें पूरी बॉडी क्लैडिंग दी गई है स्किड प्लेट्स के साथ। यहाँ पे आपको इसके रियर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको टेल लाइट मिल जाती है, LED में मिलती है, हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट मिल जाती है। तो ये था इसका पूरा रियर का, एंड यहाँ पे आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक्सेल की बैजिंग भी मिलती है। तो ये इसका पूरा कुछ रियर इस तरीके का आपको मिलता है। अब इसके मेन पार्ट की बात करते हैं जो इसके लिए अभी ये गाड़ी आई है, तो ये है इसका बूट स्पेस, एंड CNG के बाद भी इसमें बूट स्पेस आपको दिख रहा होगा। ये है इसके यहाँ पे आपको फ्लैप्स मिले हुए हैं, अंदर के लिए एक्सेसराइज वर्जन में। और ये है इसका डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाला काम जो सबसे पहले टाटा ने इंट्रोड्यूस किया था। ये देखिए यहाँ पे आपको दो सिलेंडर मिलते हैं, एंड ये 60 लीटर जो वाटर कैपेसिटी होती है वो कैरी करते हैं, इनकी कैपेसिटी है। ये है इसका टायर इनफिटर, टायर मोबिलिटी किट, मतलब पंक्चर रिपेयर किट। तो एक चीज इसमें मुझे थोड़ी सी गलत लगी है जो Hyundai ने कर दी, कि इसमें आपको स्पेयर टायर अब मिलता ही नहीं है।
टाटा पंच में आपको स्पेयर टायर मिलता है एसयूवीज की तरह यहाँ पे, लेकिन इसमें अब कंपनी ने स्पेयर टायर ही हटा दिया है, तो वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप नीचे वहाँ पे टायर एडजस्ट कर सकते थे, और यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ पूरा ये डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का पूरा मिल जाता है। एंड उसके बाद भी आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। अब ये ज्यादा भी क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं दी गई है, ये महिंद्रा वाला काम कर दिया ह्यूंडई ने भी। अगर यहाँ पे पार्सल ट्रे होती तो आपको इतना ज्यादा कुछ फील नहीं होता कि इतना ज्यादा इसमें बूट स्पेस है, कम ही लगता। लेकिन फिर भी इसका बूट स्पेस अभी लगभग 220 लीटर 230 लीटर के आसपास होगा, इतना कुछ इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अगर पीछे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बेंच फोल्डिंग मिलती है, 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता है। तो ये था इसका पूरा कुछ इस तरीके का, यही सबसे नई चीज थी इसमें। बाकी इसके इस वेरिएंट में यहाँ पे आपको कोई लैंप नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है, यहाँ पे आपको शायद ये दिखेगा नहीं, एंड बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। यहीं से ये आप देखिए, ये जो यहाँ पे है, एंड यहाँ से इसका जो सीएनजी पेट्रोल है वो यहाँ से भर जाता है। तो यहीं से इसका पूरा ये पाइप यहीं से यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है। तो ये था इसका पूरा कुछ इस तरीके का। रियर में बूट स्पेस में यहाँ पे आपको इसको बंद करने के लिए मिल जाता है। एंड अब चलते हैं इसके रियर में, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, इंटीरियर में देखते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। इसमें आपको दो कीज मिलती है कुछ इस तरीके की, पहली मिलती है कुछ ऐसी, और दूसरी मिलती है बिल्कुल लोकल सी जो एकदम कन्वेंशनल की होती है। यहाँ पे आपको फ्लिप की मिल जाती है क्योंकि इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है। यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर मिल जाता है। बाकी अब अंदर चले तो अंदर तो वही है, हाइट एडजस्टमेंट के साथ सीट मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूरा ये ब्लैक ब्लैक में मिलता है, लेकिन अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रे फिनिश मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अलग डिजाइन मिल जाता है उसमें, ये भी देखिए पैरामेट्रिक डिजाइन यहाँ पे भी आपको दिया गया है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, एक ही ऑटो अप एंड ऑटो डाउन ही है, ये ऑटो अप नहीं है, ऑटो डाउन है। यहाँ पे आपको आरवीएम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डोर लॉक एंड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर भी मिल जाता है, बोतल होल्डर, एंड यहाँ पे आप फाइल वगैरह अपनी रख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई ट्विटर नहीं मिलता है। सर्कुलर शेप में आपको यहाँ पे ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर की बात करें तो अंदर मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे ग्राफिक्स के साथ वेलकम करती है ये गाड़ी, एंड ये देखिए इसमें आपको सनरूफ मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, एंड जो थर्ड स्पोक है वो इसका पूरा सेटिन फिनिश में आता है। यहाँ पे कोई डीकट स्टीयरिंग इसमें आपको नहीं देखने को मिलता। टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये, मैं थोड़ा गाड़ी को एक बार इसका इग्निशन ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके की इसमें सारी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ये जो है ये इसका छोटा सा 4 इंच का आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, एंड ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन जो फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो सिर्फ इसी में कर सकते हो, ये सब स्टैटिक है, और इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखिए इसमें काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, टीपीएम इसमें आ जाता है जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको ट्रिप इन्फो काफी सारी मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स भी ये देखिए कितनी सारी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आप मेरी उस वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने सारी चीजें कवर कर रखी है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, इधर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, पीछे की जो तीनों सीट बेल्ट्स है क्योंकि इसमें 3 सीट बेल्ट आती है पीछे, तो उसका रिमाइंडर मिल जाता है। आउटसाइड टेम्परेचर दिख जाता है। यहाँ पे आपको सीएनजी का फ्यूल मिल जाता है गेज, एंड इधर आपको पेट्रोल का गेज मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का पूरा आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। अभी ये ऑन नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों। हाँ, ये ऑन हो गई। तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है, और कुछ यहाँ पे आपको ये फिजिकल टच बटन मिल जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, सेटिंग्स वगैरह इसमें है। नीचे आपको फुट में यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट भी मिल जाती है, लेकिन आई थिंक वो टॉप एंड वेरिएंट में ही है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, HRDS जो बटन है वो आपको यहाँ मिल जाता है लाइट बटन, और AC वेंट्स आपको ऐसे यहाँ पे जो कॉर्नर में है वो आपको सर्कुलर मिल जाते हैं, बीच में कुछ इसी तरीके से मिलते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया। इसमें आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, टॉप एंड वेरिएंट में आ जाती है। यहाँ पे आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB टाइप सी मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें मिलता है आपको। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल हैंड ब्रेक, ट्विन कप होल्डर मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आप की वगैरह अपनी रख सकते हो, फोन वगैरह रख सकते हो। टॉप एंड वेरिएंट में इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स आता है, लेकिन यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलता है, फर्स्ट एड किट इसमें रखी हुई है। बाकी यहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हो, ये फिर से वही डिजाइन आ गया। ऊपर आपको इसका पूरा हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंटीरियर केबिन लाइट्स मिल जाती है फ्रंट की, एंड ये है रियर की यहाँ पे सेंटर में। तो ये है इसका सनरूफ का पूरा कंट्रोल। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए माइक मिल जाता है, और इधर अगर मैं बात करूँ वैनिटी यहाँ पे, तो मेरिट सनवाइजर पे, तो यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर मिल जाता है। इधर आपको मिरर मिल जाता है विद एयरबैग बैज। तो यही था पूरा फ्रंट का इसका जो इंटीरियर का है। हाँ, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, एंड ये है इसका जो पेट्रोल और CNG को चेंज करने का है, वो आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर यहाँ पे मिल जाता है इसका, एंड आपको और अगर मैं दिखाऊं तो फ्यूल लिड ओपनर आपको यहाँ मिल जाएगा,
एंड जो फ्रंट हुड है वो आपको यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। प्रॉपर इसमें डेड पेडल दिया गया है, अगर आपको दिख रहा है ये देखिए, यहाँ पे इसको प्रॉपर डेड पेडल दिया गया है, तो ये काफी एक अच्छी चीज है। स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग इसमें आपको सिर्फ टिल्ट ही मिलता है, सॉरी हाँ इसमें टिल्ट मिलता है, आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। इधर आपको इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं एंड हेडलाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड इधर आपको मिल जाते हैं फ्रंट विंडो वॉशर एंड वाइपर। तो कुछ इस तरीके का इसका पूरा फ्रंट था। अब चलते हैं इसके रियर में, एंड रियर में देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। एंड रियर में जो सबसे सरप्राइजिंग मुझे इसमें चीज लगी थी वो है इसका अंडर थाई सपोर्ट। काफी गजब का इसमें अंडर थाई सपोर्ट है, आप देख भी सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, बहुत ही शानदार। पंच से बहुत ज्यादा बेटर है इसमें अंडर थाई सपोर्ट। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन ये चीज मुझे इसमें काफी चीप क्वालिटी की लग रही है। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, देखने में ही फील हो रहा है थोड़ा चीप क्वालिटी है, तो हुंडई को इसमें जरूर इंप्रूव करना चाहिए। बाकी हेडरूम बहुत गजब का है इसका, बहुत ज्यादा गजब का, मतलब क्या ही बताऊं मैं, आप देख भी सकते हो, ये देखिए कितना ज्यादा इसमें आपको हेडरूम मिल जाता है, बड़ा ही शानदार। और कुछ इस तरीके का यहाँ पे पूरा आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तीसरा नहीं मिलता है। तीनों इसमें सीट बेल्ट मिल जाती है, यहाँ पे आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको बीच में रियर एज इवेंट्स मिल जाते हैं, एंड नीचे एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। बीच में आपको एक हम्प भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा तो नहीं है, आप आराम से यहाँ पे दो लोग बैठ सकते, तीसरा आप बैठा सकते हो लोग। यहाँ पे आपको जो लेग रूम मिलता है वो थोड़ा बस डिसेंट सा ही है। अब यहाँ पे स्कूप डाउन सीट्स मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर नहीं मिलता है, इधर आपको नहीं मिलता है, इधर मिल जाता है, इधर आपको मैगजीन होल्डर नहीं मिलता है, स्कूप डाउन सीट्स होती है। एंड सीट भी अगर मैं इसकी दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सीट मिल जाती है इसकी सेमी लेदर, ये जो आप चीज देख रहे हो ये लेदर की है, एंड वो पूरा फैब्रिक का है। सीटिंग कंफर्ट काफी अच्छा है इसका, थोड़ा लेग रूम कम है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, रिक्लाइनिंग एंगल बहुत अच्छा है, आप बहुत कंफर्टेबली होकर बैठते हो। एंड हेडरूम का तो क्या ही कहने भाई, बहुत शानदार हेडरूम है इसमें। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इधर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद अ हुक। तो ये था इसका कुछ पूरा रियर का। इंजन की अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, एंड जो कि सीएनजी में 69 हॉर्स पावर एंड आपको 95 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करा के देता है। एंड सीएनजी में जो इसका माइलेज है वो है 27.1 किलोमीटर पर ग्राम। तो ये था पूरा कुछ ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ हुंडई एक्सर। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि ये गाड़ी टाटा पंच को कंपटीशन दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। बाकी ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे अगर अभी नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye-bye.